अस्सलाम वालेकुम मौलफियो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत से पिंक ग्लैम मेकअप का डिटेल्ड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ना सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल बताऊंगी, बल्कि मेकअप से पहले जो स्किन प्रिपरेशन करते हैं उसका भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हमने मेकअप स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने अपनी स्किन को क्लीन करना है। अगर थोड़ा बहुत मेकअप पहले हुआ है फिर आप क्लींजर यूज करोगे, लेकिन मेक श्योर के क्लींजर जेल बेस होना चाहिए, मिल्क फॉर्म में क्लींजर ना हो, वरना आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली और चिपचिप हो जाएगी। और अगर फेस में मेकअप वगैरह नहीं हुआ हुआ तो आप किसी भी जेल बेस्ड फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डर्माडर्म का फेस वॉश यूज कर रही हूँ अपने मॉडल की स्किन के ऊपर। इससे क्या होगा कि इससे इनकी स्किन और ज्यादा नीट हो जाएगी। और अगर स्किन के ऊपर हल्का फुल्का ऑयल आ जाता है ड्यूरिंग मेकअप या मेकअप के बाद, तो वो भी जो है ना वो नहीं आएगा, स्किन आपकी हल्की फुल्की जो है ना वो ड्राई ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है। टोनर के लिए आप जो है ना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग टोनर ले सकते हो। अगर स्किन की जो हेल्थ है वो कम है तो आप विटामिन सी टोनर यूज़ करोगे। अगर आपकी स्किन जो है वो एजिंग साइंस प्रोमिनेंट कर रही है तो आप गोल्ड सी टोनर यूज़ करोगे। और अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो आप मिंट वाला टोनर यूज़ कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं मून टच का टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर बेसिकली आपके स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है और आपकी स्किन को जो है ना वो हेल्दी बनाता है। अब बारी आती है जी सीरम की। तो सीरम के लिए भी आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम लेना है। जैसा कि द ऑर्डिनरी ब्रांड में आपको स्किन की हर प्रॉब्लम से रिलेटेड सीरम मिल जाता है। और सीरम के बारे में आपको ये भी पता होगा कि सीरम आपकी स्किन की सेकंड लेयर पर जाके वर्क करता है, तो बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स जो है ना ये आपको देता है। तो मैं यहाँ पर द ऑर्डिनरी का नाइसिनमाइड सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसको अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई नहीं करनी। उसके बाद हमें करनी है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए मेरे पास ऑरेंज कलर करेक्टर है। आपको पता है कि एशियंस में जो एशियन स्किन टोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होती, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होती, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आपको कलर करेक्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ऑरेंज ही देखने को मिलेगा कि जो यूज़ किया जाता है एशियंस पे। तो यहाँ पर आप लोगों को मून टच में ये कलर करेक्टर मिल रहा है, जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है। अच्छा, प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स मैं साथ साथ बता भी रही हूँ, प्रोडक्ट्स दिखा भी रही हूँ। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको सब कुछ बहुत डिटेल में रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। सो स्किन पर जितने भी अनइवन पार्ट्स हैं उनको आप इवन करोगे ऑरेंज वाले कलर करेक्टर के साथ। अगर आपको एक्ने के स्पॉट्स कहीं पर रेड कलर में नजर आ रहे हैं या फिर छाइयां नजर आ रही हैं, तो फिर आप ग्रीन कलर करेक्टर का इस्तेमाल करोगे। अच्छे से कलर करेक्शन करने के बाद आपको इस कलर करेक्टर वाले पार्ट को फिक्स करना है, जिसके लिए आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर जो है ना वो अप्लाई करना है अपने उस ऑरेंज पार्ट के ऊपर जहां आपने करेक्टर अप्लाई किया था। एंड देन आपने सारा एक्स्ट्रा पाउडर जो है ना वो डस्ट आउट कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो करेक्टर है वो आपकी फाउंडेशन के अंदर मिक्स नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो चार छोटी छोटी वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग हांडी बेसिस की तरह बेसिस हैं। बेसिकली ये मिस रोज की हैं, दो और दो बीबी हैं। सो ये चारों जो है ना ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, दराज पे डील लगी हुई थी इन चारों की, बहुत ही सस्ती मुझे मिल गई थी। आई थिंक सो 350 रुपये की ये चारों मुझे मिल गई थी। ये चारों शेड्स हैं इसके जो मुझे मिले हैं, एक 36 नंबर है, एक 38 नंबर है, एक एवरी है और एक F1 है। तो मैंने इसमें से 38 नंबर और एक एवरी शेड दोनों लिया है, और इन दोनों को मैं जो है ना वो मिक्स करके और मॉडल के फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। सो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले मैं 38 नंबर को प्रॉपर फेस पे अप्लाई करूँगी पूरा। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा शेड है थोड़ा फेयर में, वो मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि 38 वाला ज़्यादा डार्क था और एवरी वाला ज़्यादा फेयर था। तो मुझे इन दोनों के मीडियम टोन वाला कलर चाहिए था, तो मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स करके मीडियम टोन वाला कलर खुद बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, बट थोड़ा फ्लफी ब्रश नहीं है ये, क्योंकि फ्लफी ब्रश के साथ आप कभी भी स्टिक फाउंडेशन वाली बेसिस को ब्लेंड नहीं कर सकते। या तो फिर आपको स्पंज यूज़ करना पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट टच का वाइट वाला स्पंज होता है वो, या फिर आप इस तरह से थोड़ा हार्ड वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने डैब डैब करके बेस को बहुत अच्छे से स्किन के साथ एडजस्ट करना है। अगर आपकी फर्स्ट बेस की लेयर ही अच्छे से फिक्स नहीं होगी, तो ऊपर आप जितनी मर्जी अच्छी कोटिंग कर लो, आपकी बेस कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। गैबरीनी की HD मैट फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ मैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इसका 2 नंबर शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये ऐसा शेड है जो कि आपकी हर स्किन टोन के ऊपर इजीली चला जाएगा। तो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ ब्राइडल के लिए। ये बेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हैवी कवरेज के साथ है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है, तो आप इजीली इसको अपने सलोन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं परचेस करना चाहते, तो जस्ट आप इसका 1 नंबर और 2 नंबर परचेस करके रख लो, एंड आप इसके साथ जो है ना वो हर किस्म का क्लाइंट, हर किस्म की स्किन जो है ना वो डील कर सकते हो। सो गैबरीनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको स्क्रीन पर वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के लिए मैं साथ साथ व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पर, तो आपको जो चीज़ भी चाहिए आप
उनके नंबर्स पे कांटेक्ट करके उसे मंगवा सकते हो। अभी आप बेस देखोगे कितनी स्मूथ और कितनी ज्यादा ग्लोई बनी है। मैं जो है वो सारी अंडर बेस करने वाली हूँ, तो मुझे उसके लिए लिक्विड कॉन्टोर चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर फोकलेवर का मैट फाउंडेशन लिया है ब्राउन कलर में, जिसको आप एज अ कॉन्टोर यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना डार्क कलर आके पूरे फेस पे तो अप्लाई हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे साइज वाले ब्रश के साथ आपको प्रॉपर मार्जिन्स बनाने हैं। डॉटेड फॉर्म में लगा लो या छोटे छोटे स्ट्रोक में लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो आपने देखना है कि आप बेसिकली अपने मॉडल की स्किन को क्या शेप देना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप जो है ना वो डॉट्स या स्ट्रोक्स लगाओगे फेस के ऊपर, एंड देन आप उनकी ब्लेंडिंग करोगे। सो मैंने यहाँ पर छोटे साइज वाला एक ब्रश लिया है और इस प्रोडक्ट को मैं जो है ना वो डॉटेड फॉर्म में फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, इस फाउंडेशन का या इस कॉन्टोर का जो फायदा है वो ये है कि ये जमता नहीं है फेस पे लगने के बाद, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाना पड़ेगा। सो आप इसको इजीली अप्लाई भी कर सकते हो, ब्लेंड भी कर सकते हो। उसके बाद कंसीलर लेंगे, तो अब वो पार्ट्स को कवर करेंगे जिनको आपको हाईलाइटेड दिखाना है, जिनको आपको प्रोमिनेंट दिखाना है, और फिर हम छोटे साइज वाला ब्रश लेंगे। लेकिन सेम ब्रश के साथ नहीं लगाना, वरना दोनों कलर्स मिक्स हो जाएंगे। आपने ब्रश चेंज करना है या फिर उस ब्रश को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर आपने कंसीलर लेना है और कंसीलर को आपने अपने फेस के हाइलाइटेड पार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप जो है ना वो ब्लश एरिया को भी साथ ही कवर कर सकते हो, जिसके लिए आप लिक्विड टिंट यूज़ कर सकते हो, लिक्विड ब्लश यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास तो आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक अवेलेबल थी, जिसको मैंने चीक्स पर अप्लाई कर लिया है। मैंने पिंक कलर भी मेरे पास अवेलेबल था, बट मैंने रेड कलर इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि जब रेड कलर आपकी बेस के साथ मिक्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और आपने सबसे पहले अपने कॉन्टोर वाले एरियाज को ब्लेंड करना शुरू करना है। और ब्लेंडिंग आपने इस तरह से करनी है कि जो सा कलर जिस जगह पर आपने लगाया है उसी एरिया में आपने उसको ब्लेंड करना है। उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का या जदोजहद करने का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ब्लश को ब्लेंड करेंगे कॉन्टोर के बाद साथ ही। अब आप देखोगे कि हमारा कितना मज़े का वो चीक एरिया जो है वो प्रोमिनेंट हो गया है। अब नोज़ की कंटूरिंग को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो नीचे चिन के साथ हमने कंटूरिंग लाइन बनाई थी उसको ब्लेंड करेंगे। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि कितना, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लुक जो होता है ना वो आपका इस अंडरवेस कंटूरिंग के साथ आ जाता है। अब आपने ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करना है और फिर आपने आपके कंसीलर वाले पार्ट्स को ब्लेंड करना है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको ब्लेंड नहीं करोगे, वरना आपका पूरा फेस जो है ना वो डार्क हो जाएगा कंटूर कलर की वजह से। ठीक है, अच्छा ये ब्यूटी ब्लेंडर मेरी अपनी ब्रांड का है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर भी नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, आप इसको ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। अभी यहाँ पर आप देखो कि ब्लेंडिंग होने के बाद कितना मज़े का फेस लुक लग रहा है। अब होगा ये कि पूरा इवेंट भी आपका गुजर जाएगा, इवन 12 घंटे भी अगर आप मेकअप करके रहते हो तो आपकी कंटूरिंग या आपका ब्लश जो है वो टच से मस नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा कुछ अंडर बेस किया है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। अब क्या करेंगे, आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और या फिर लूज पाउडर भी आप ले सकते हो, और इसको आपने जस्ट वहाँ वहाँ अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया हुआ था। पूरे फेस पे आपने पाउडर अप्लाई नहीं करना, वरना आपका पूरा फेस इवन हो जाएगा। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में अगर आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप लोग ये ना कहो कि आपने तो जब आसमा ने किया था तो ऐसे नहीं हुआ था, हमने किया था तो ऐसे हो गया था। इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने पाउडर जस्ट वहाँ वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ कंसीलर लगा हुआ है। और जी अगर आप बेस को हैवी करना चाह रहे हो देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप लूज पाउडर के साथ भी बेस को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टोर पैलेट लेंगे। सो मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कॉन्टोर पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। अब कॉन्टोर पैलेट के साथ आपने ऑब्वियसली इसके अंदर पाउडर कलर्स होते हैं, तो आपने जो हमारे कॉन्टोर वाले एरियाज हैं उनको इस वाले पाउडर कलर के साथ ही फिक्स करना है, तभी आपके वो कॉन्टोर पार्ट्स हैं वो मज़ीद प्रोमिनेंट होंगे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने जो ब्लशन वाला एरिया है उसको फिक्स करना है पाउडर ब्लश के साथ। आप कोई भी ब्लशन यूज़ कर सकते हो इसके लिए, जैसा कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मिसरोज़ का ब्लश। सो इसको आप जो है वो अप्लाई करोगे अपने फेस के उन पार्ट्स पर जहाँ पर आपने ऑब्वियसली ब्लश अप्लाई किया था, मतलब आपके चीक्स एरिया पर। सो अब इससे होगा ये कि आपने जिस कलर को जिस कलर के साथ जो है वो कवर किया था, आपने उस कलर को उस कलर के साथ ही फिक्स किया है, तो अब आपका मेकअप ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। अब आईब्रोज की फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर मिसरोज़ की ही आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ। इसकी एक साइड पर स्पूली है, एक साइड पर पेंसिल है। अब क्या करेंगे, पहले सबसे स्पूली के साथ आईब्रोज को नीट करेंगे ताकि अगर कोई पाउडर वगैरह लग गया है तो वो अच्छे से नीट हो जाए। उसके बाद पेंसिल के साथ छोटे छोटे स्ट्रोक में आईब्रोज को फिल करना स्टार्ट करेंगे। और आईब्रो पेंसिल का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके आईब्रो को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करता, आपकी आईब्रो को
जो है ना वो बिल्कुल एक जुकूटा जीन वाला लुक नहीं देता, जो कि ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रोज नहीं पसंद या आपकी आईब्रोज को ज़रूरत नहीं है हैवी होने की, तो फिर आप पेंसिल ही यूज़ करो। उसके बाद आई शेडो पैलेट भी मेरे पास मिस रोज़ का ही है, जिसके साथ मैंने प्रॉपर जो है वो आइस की करनी है कंटूरिंग। सो मैंने इसके अंदर से एक पर्पलिश सा कलर लिया है, जिसके साथ मैं प्रॉपरली आइस के ऊपर पहले डैब डैब करके प्रोडक्ट को सिर्फ आइस के ऊपर रखूंगी। उसके बाद हम इसकी जो है वो ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हम ब्रश चेंज करेंगे, थोड़ा छोटे साइज़ वाला ब्रश लेंगे ताकि हमारा पूरा आई का एरिया जो है ना वो डार्क ना हो जाए। अभी हमने जस्ट प्रोडक्ट को रखा है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि जब आप प्रोडक्ट को पहले रखते हो फिर ब्लेंड करते हो तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन अगर आप रखते साथ ही ब्लेंड करना शुरू कर देते हो तो चांसेस हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आपकी पूरी आँख जो है ना वो उसी कलर के साथ फिल हो जाएगी और फिर आपको हैंडल करने में उसको बहुत ज़्यादा मसला आएगा। फिर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया और मैंने अपनी क्रीज लाइन को और ज़्यादा डेप्थ देने के लिए यहाँ पर मैंने ये कलर अप्लाई किया। इससे क्या होगा कि आपकी आईज अगर छोटी है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि कस्टमर्स आके अक्सर डिमांड करते हैं कि आँख हमारी बहुत छोटी है, मेकअप ऐसा कीजिएगा कि आँख जो है वो बड़ी लगे, तो कट क्रीज मेकअप जो है ना वो होता ही छोटी आइज वालों के लिए है। आइज़ के नीचे मैंने क्रिस्टियन की ब्लैक पेंसिल जो है ना वो अप्लाई की है, आइज़ के अंदर भी आइज़ के नीचे भी। अब क्या करेंगे, एक फ्लैट वाला ब्रश लेंगे और बहुत अच्छे से इसको यहाँ से जो है ना वो ब्लेंड कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल काजल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है आइज़ के नीचे भी आइज़ के अंदर भी, तो अच्छे से इसको दोनों आइज़ के नीचे अप्लाई करेंगे, ब्लेंड करेंगे। इस काजल की खास बात यह है कि ये फैलता नहीं है। और फिर वही वाला पर्पल कलर जो आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था उसी कलर के साथ इस ब्लैक कलर को ब्लेंड करेंगे। एंड मेक श्योर कि आपके ब्रश के ऊपर कलर बहुत ज़्यादा लगा ना हो, वरना फिर आपकी आई के नीचे बहुत ज़्यादा कलर कलर हो जाएगा और वो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कलर आपने नॉर्मल अप्लाई करना है ताकि आप उसको इजीली ब्लेंड कर सको। उसके बाद ये यहाँ पर मेरे पास मिस रोज़ के वेलवेट शेड्स हैं तीन, ये मैंने $1 शॉप से परचेज किए थे आई थिंक सो 5-6 मंथ्स पहले। सो इनका पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और बहुत इजी टू अप्लाई हैं ये। और मैं चेक करूँगी, अगर मुझे इनका लिंक मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और अगर नहीं तो आप इनकी जगह मेरी ब्रांड के वेलवेट शेड्स यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम पिगमेंट्स सेम टेक्सचर के साथ हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो फिंगर के साथ मैं इसको अपने आईलिड्स पर बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी, जो कि इतना आपकी आईज़ को जगमग कर देगा कि बहुत ही ज़्यादा हसीन लगेगा, कोई देख के कह ही नहीं पाएगा कि जस्ट 2 कलर्स के साथ आपने इतना bomb.com मेकअप किया है। अब हमारा आई मेकअप जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है, अब हमें हाईलाइटर अप्लाई करना है। हाईलाइटर के लिए मेरे पास है गैबरीनी का हाईलाइटर पैलेट, जिसके अंदर से मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा सिल्वर सा कलर लिया है और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पर और अपने ब्रोबन एरिया पर बहुत अच्छे से अप्लाई करूंगी। जैसा कि आपको पता है, आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इनर कॉर्नर पर हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और पर्सनली जितनी बार भी मैं तैयार होकर और इनर कॉर्नर पर हाईलाइटर लगा के कहीं पर गई हूँ ना, कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ना पूछा हो कि ये आपने आइज़ के इनर कॉर्नर पर क्या लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हुजिया ब्यूटी का एक सिल्वर कलर का लाइनर है, बेसिकली ये हुदा ब्यूटी नहीं है, ये हुजिया ब्यूटी है, ठीक है। ये भी मैंने $1 शॉप से ही परचेज़ किया था। सो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने ब्रोबन एरिया पर ताकि मेरा ब्रोबन एरिया और ज़्यादा शाइन करे। लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ काशीज़ का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर। जैसे कि आपको पता है कि मेरा लिक्विड लाइनर्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट लाइनर यही है और मैं अपनी ब्राइडल्स को जो है ना वो यही यूज़ करती हूँ, और आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका सैलून है तो आप ब्राइडल्स के लिए, पार्टी मेकअप के लिए नहीं तो ब्राइडल के लिए, तो आप लाजमी इसको परचेज करके रखें, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राइडल जो है वो एक अच्छी खासी अमाउंट आपको पे करती है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स भी आपको फिर अच्छी ही अप्लाई करनी चाहिए। इसके अलावा आप मिस रोज़ के मार्कर लाइनर्स परचेज़ करके रख सकते हो, वो बहुत ज़बरदस्त हैं पार्टी मेकअप में यूज़ करने के लिए। उसके बाद ही लैशेस को प्रिपेयर करके साइड पे रख लेंगे और तब तक हम अपनी लैश को मस्कारा लगा लेंगे, जिसके लिए मैं मिस रोज़ का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सस्ती सस्ती प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ ताकि आप लोग उन्हें परचेज़ कर सको, ताकि आप लोग झूठे बहाने ना बना सको कि मेरे पास तो ब्यूटी फाइव आमला के प्रोडक्ट्स नहीं है, या मेरे पास काशीज़ के प्रोडक्ट्स नहीं है, या मेरे पास किसी भी एक्सपेंसिव ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं है तभी मेरा मेकअप अच्छा नहीं होता। बताने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैटर नहीं करती, सारा कमाल जो है ना वो आपके हाथों का है। आपके हाथों में अगर जादू है ना, तो बेशक आप $1 शॉप से भी प्रोडक्ट्स लेते हो ना, तो आप उनके साथ एक अच्छा खासा लुक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे अच्छा खासा लुक क्रिएट करके दिखाना है ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, आप लोगों ने घर बैठ के कुछ ना कुछ सीखा है। मिस रोज़ के हाईलाइटर पैलेट के अंदर से ही मैंने ये डल गोल्ड सा कलर लिया है और इसके साथ मैं प्रॉपर फेस को जो है ना वो हाईलाइट करने वाली हूँ। एंड यू कैन सी कि कितना मज़े का एक बल्बी इफेक्ट आ गया है फेस के ऊपर। तो अब आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास महंगे वाला हाईलाइटर नहीं था तभी हमारे मॉडल का फेस जगमग नहीं हुआ। आप मिस रोज़ के ये सस्ते वाला हाईलाइटर पैलेट के साथ भी
अपने मॉडल के फेस को ग्लो दे सकते हो। अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद लिप की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास लिप बाम है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। आपको पता है दराज के ऊपर जो है ना वो आई थिंक सो हर वीक ही या हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई सेल जो है वो चलती रहती है। उसके अलावा भी दराज पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, तो दराज से भी आप लोग अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो लाजमी ऑर्डर कर लिया करो। और अगर आपको नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट सही आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, तो रिव्यू चेक कर लिया करें, रेटिंग्स चेक कर लिया करें, उसके बाद प्रोडक्ट ऑर्डर किया करें, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी प्रोडक्ट ही आएगी। एंड इसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, और इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल जो है ना ये आपको मामा के चैनल पर मिलेगा, लैशेज ब्यूटी पार्लर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। लाजमी आप लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद इसी वीडियो का हेयर स्टाइल आपने मामा के चैनल पर जाकर देखना है, ताकि आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग भी आए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपके पास तैयार होने आता है तो सिर्फ मेकअप करवा के तो नहीं जाएगा, हेयर स्टाइल भी बनवाएगा, तो आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोगों ने उसको लाजमी विजिट करना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मॉडल कैसी लग रही है, और आप लोगों को मेकअप कैसा लग रहा है, और कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स के साथ आप किस तरह से bomb.com मेकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अगर आप इसी तरह से मुझे प्यार करते रहोगे, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहोगे और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहोगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों की अप्रिसिएशन देख के, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिससे कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि क्लासेस कहाँ पे देती हैं आप, और हम आपसे कैसे क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आके या कहीं पे जाके क्लासेस लेने से बेहतर है कि आप घर बैठ के फ्री में ट्यूटोरियल्स देखें और प्रैक्टिस करें। जब वही चीज़ आप लोगों को, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है लाखों रुपये दे के कहीं पर जाना। अपना टाइम भी आपने इन्वेस्ट करना है, घर से निकलना भी है, फिर ऑब्वियसली घर भी आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप मैरिड हो। तो ये जो है ना प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप घर बैठ के हर वो चीज़ जो आप चाहते हो कि आपको सीखनी चाहिए, आप घर बैठ के मेरे चैनल के थ्रू या फिर मेरी मामा का चैनल है, इसके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो सिर्फ वीडियोस देख के बैठ मत जाया करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो। और अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। स्टार्ट में आप लोगों को ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपकी मेहनत रंग ले आएगी, इंशाल्लाह मेहनत ज़रूर रंग लाती है, बेशक आपको पता है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तो वो मेहनत करने के बाद जो आपने बेशक घर बैठकर की है, तो इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सो अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी किया करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिया करें, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए टॉपिक सजेस्ट किया करें। क्योंकि मैं आजकल फील कर रही थी कि मेरे आई मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है ना वो कम लोग देख रहे थे, फुल मेकअप के ट्यूटोरियल्स ज़्यादा लोग देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब फुल मेकअप भी जो है ना वो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वही करना होता है जो आप लोगों ने देखना होता है। जब आप लोगों ने नहीं देखना तो फिर मुझे क्या फ़ायदा वो टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो आप लोग खुद बता दिया करो मुझे कि आप लोगों को क्या देखना है, किस तरह का टॉपिक देखना है आप लोगों को, तो फिर मैं उसके हिसाब से ही चला करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें, thread.net पर फॉलो कर लें, यूट्यूब पर फॉलो कर लें, आसमा खान या आसमा खान ऑफिशियल के नाम से आप हर जगह पर मुझे सर्च कर सकते हो, और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी। सो ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैंने बाहर सनलाइट में, मतलब विंडो के सामने कैप्चर किया था विदाउट रिंग लाइट। तो आप देखो कि रिंग लाइट के सामने क्या इफेक्ट आता है, और सनलाइट में आपका मेकअप किस तरह का लगता है। और 10 तारीख को जो हमारी क्लास होनी थी बेड़ा में, वो क्लास जो है वो डिले हो चुकी है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो नेक्स्ट डेट जो है वो मैं जल्दी आप लोगों के साथ अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह 15-20-25 दिन में, जब भी क्लास अरेंज होगी। तो आप लोग जो है वो लाजमी मुझे ज्वाइन कीजिएगा भेड़ा में जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, बहुत मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।